नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। कस्बे के सभासदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अधिशासी अधिकारी और नगर पंचायत के खिलाफ खोला मोर्चा। कस्बे में व्याप्त भ्रष्टाचार और सरकारी धन की बंदरबांट और तमाम गंभीर आरोप लगाकर के विकास कार्यों की जांच की मांग। फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए की जमीन को लीज पर दिए जाने का मुद्दा भी उठा जोरों शोरों से। दोषियों के खिलाफ की कार्यवाही की मांग। कार्यवाही न होने पर करेंगे धरना, किया ऐलान। जनपद बिजनौर के बुढ़ापुर कस्बे का है पूरा मामला। अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जी, क्या कुछ था पूरा मामला? पूरा मामला पहले भी मैं बता चुकी हूँ, एक नगर पंचायत की ज़मीन, जो ग्राम समाज की ज़मीन है, जिसको नगर पंचायत ने अपने अधीन ले रखा है, उसका इन्होंने रजिस्ट्री कर दी है। एक ठेकेदार है, भू माफिया है उत्तराखंड के, उन्हें इन्होंने रजिस्ट्री कर दी, जो बिल्कुल इलीगल है, जिसको कैंसिल करने का डिमांड हम सब मेंबरों ने किया है, ईओ साहब से और चेयरमैन साहब से। अन्य कुछ और मामले? बहुत सारे मामले हैं, करप्शन बेपनाह है नगर पंचायत में। हर काम जो है उस पर पैसे परसेंटेज तय करते हैं, ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है। ई टेंडिंग के माध्यम से काम होना चाहिए, ये लोग मैनुअल और कोटेशन पर काम कराते हैं। बार बार शिकायत करने के बाद में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। बहुत सारी दफ़ा ईओ साहब से जब भी शिकायत करी गई, पूरे बोर्ड ने शिकायत करी, उन्होंने ये कहा कि हम पूरे तुम सब के खिलाफ FIR दर्ज करा देंगे। मैं अपने स्तर से काम करूंगा, मैं अपने ढंग से काम करूंगा, मैं अपने काम में किसी का इंटरफेरेंस, किसी बोर्ड के मेंबर का इंटरफेरेंस नहीं चाहता। इस मामले को लेकर पहले भी कई बार जिले के आला अधिकारी से शिकायत की जा चुकी है जी, लेकिन अभी तक कोई मामला इस तरह से नहीं हो पाया है कि उसका मसले का हल हो पाया। हाँ, कोई मसले का हल हो नहीं पाया। हमने SDM साहब से पहले शुरू में शिकायत की थी, उन्होंने इसे रोक दिया था। रोकने के बाद में ये कहा गया हमसे कि भाई ये नगर पंचायत अपने स्तर से इसमें काम कराएगी, लेकिन उसके लिए भी नगर पंचायत के अधिकारी अधिशासी अधिकारी को मीटिंग कॉल करनी थी, मेंबरों से परमिशन लेनी थी, क्योंकि जो भी सरकारी पैसा कहीं भी यूज़ होता है, बोर्ड का मतलब ये है कि बोर्ड से विदाउट परमिशन ना चेयरमैन साहब ना ये साहब उसको यूज़ नहीं कर सकते बिना बोर्ड के परमिशन के। इन्होंने किसी बोर्ड के बोर्ड की मीटिंग नहीं ली, हम लोगों से पूछा नहीं, किसी को कॉल नहीं किया। अगर हम उनसे शिकायत करते हैं तो वो हर दफ़ा ये बात कह के टाल देते हैं कि बस मैं FIR दर्ज करा दूंगा, कोई नगर पंचायत में आए। जिस तरह से आपकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अगला कदम कस्बे के सभासदों का क्या होगा? हम DM साहब के पास जाएँ, DM साहब से फिर गुहार लगाएंगे। नए DM साहब ने चार्ज दिया है, मंडे में ट्यूसडे में किसी दिन जा करके, और फिर उसके बाद हम धरने पे बैठेंगे।